अल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वेलकम टू इलामा इकबाल पब्लिक प्राइमरी स्कूल कसूर। अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पेरेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल हरियत से होंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है उर्दू। आज की जो तारीख है वो है 29 अप्रैल, दिन है जुमेरात। उर्दू का जो हमारा पहला लेक्चर है वो है पाकिस्तान की सैर। तो बच्चों, हम पाकिस्तान की सैर का मुख्तसर तारुफ देखते हैं। आज हम आपको अपने प्यारे देश पाकिस्तान की सैर करवाते हैं। क्या आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब हमारे को किसने देखा था, किस किस को पता है? तो बच्चों, मैं आपको बताती हूँ कि पाकिस्तान बनाने का ख्वाब हमारे कौमी शायर लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा था, ताकि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को अलहदा वतन मिल सके। इस अजीम ख्वाब को हकीकत का जो रूप वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। यूँ पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को बना। प्यारे बच्चों, पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, सूबा पंजाब, सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। पाकिस्तान का जो दारुल हुकूमत है वो है इस्लामाबाद। कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर में बहुत खूबसूरत फूल हैं, समंदर, पहाड़, दरिया हैं। सूबा सिंध का जो मशहूर शहर है वो है कराची। यहाँ पे मुल्क की बड़ी बंदरगाह है। सूबा पंजाब दरियाओं का सूबा भी है। पंजाब का जो मशहूर शहर है वो है लाहौर। बलूचिस्तान का मशहूर शहर कोयटा है। यहाँ के खुश्क मेवाजात बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें अंजीर, काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट और खजूरें वगैरह शामिल है। खैबर पख्तूनख्वा का मशहूर शहर पिशावर है। पिशावर को फूलों का शहर भी कहा जाता है। इनके अलावा गिलगत, चित्राल, मरी, नथियागली, एबटाबाद, सवात, कलाम, नारान और कगान बहुत ही खूबसूरत मुकामात हैं। प्यारे बच्चों, हमारा देश पाकिस्तान बहुत ही खूबसूरत है और हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ये था इसका मुख्तसर तारुफ। अब हम सवालात के जवाबात देखते हैं। हमारा जो आज का पहला सवाल है वो है, हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान को किसने बनाया? तो इसका जवाब है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, पाकिस्तान बनाने का ख्वाब किसने देखा? इसका जवाब है लामा इकबाल ने देखा। प्यारे बच्चों, ये इतना हमारा आज का लेक्चर था। आपने इन सवालों को अपनी बुक के ऊपर लिखना भी है और अच्छे तरीके से याद करना है। अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान।